पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो स्टार्टअप की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। स्टार्टअप का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि जिस स्पीड और स्केल में आज भारत का युवा स्टार्टअप बना रहा है, वो वैश्विक महामारी के इस दौर में भारतीय की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति का प्रमाण है। पहले बेहतरीन से बेहतरीन समय में इक्का दुक्का कंपनियां ही बड़ी बन पाती थी, लेकिन बीते साल तो 42 यूनिकॉर्न देश में बने हैं। हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने और इनोवेशन को संस्थागत करने का है। हम सभी ने भारतीय स्टार्टअप की सफलता के दर्शन किए और कुछ स्टेक होल्डर्स का प्रेजेंटेशन भी देखा। आप सभी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। 2022 का ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। आजादी के 75वें वर्ष में स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का ये आयोजन और भी महत्वपूर्ण है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, उस भव्य भारत के निर्माण में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के अलग अलग विभाग, मंत्रालय नौजवानों और स्टार्टअप्स के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके आइडियाज को प्रोत्साहित करते हैं। सरकार की प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इनोवेशन का मौका देती है।